हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंकिता और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक स्पेनिश मूवी जिसमें एक बाप और बेटी को एक ही औरत से प्यार हो जाता है, लेकिन इस प्यार के चक्कर में बेटा ऐसे फंसता है जैसे आगे कुआं पीछे खाई, चारों तरफ से शामत आई। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी मूवीज का भंडार मिलने वाला है। कहानी की शुरुआत हमारी मेन कैरेक्टर साइमन से होती है जो अपनी गर्लफ्रेंड सेबी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है जहां दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं। साइमन और सेबी दोनों ही प्रोफेशनली एक कार्टून आर्टिस्ट थे और आज दोनों साइमन के डैड पीटर की बर्थडे पार्टी में जाने वाले थे, जहां पहुंचकर सब लोग पीटर की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं और फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। इसी बीच साइमन की नज़र एक खूबसूरत औरत लाली पर जाती है जो कि पहली ही नज़र में साइमन को अपना दीवाना बना लेती है। दरअसल ये साइमन के डैड की कलीग है जिसके साथ वो ज्यादातर समय स्पेंड करते हैं। अब जब साइमन ने लैला को देखकर अपने होश गवा दिए थे तो वो सेबी को एक रूम में ले जाकर किस करने लगता है। इसी बीच उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है और वहां जाकर पता चलता है कि साइमन की मॉम सुजैन को पैनिक अटैक आया था जो देखकर सबसे ज्यादा दुखी पीटर था। अब चाहे उसके पास हजारों लड़कियां हो लेकिन बीवी तो एक ही थी। इस हादसे के बाद पार्टी यही खत्म हो जाती है तो साइमन और सेबी अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं जहां दोनों अच्छे से रात गुजारते हैं। और अगली सुबह जब वो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे तभी वहां साइमन की मॉम आती है जो साइमन से कहती है कि लाली की वजह से उसका और पीटर का रिश्ता टूटने वाला है, जिसे बचाने के लिए वो पीटर को एक वीकेंड पर ले जाने वाली है और बदले में साइमन को सारा काम संभालने को कहती है। साइमन यहां समझ रहा था कि इस वीकेंड के जरिए उसके पेरेंट फिर से काफी करीब आ जाएंगे तो वो अगले दिन काम संभालने पीटर के घर चला जाता है जहां पीटर उसे सारा काम अच्छे से बता देता है कि उसको कौन सा काम कब कब करना है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी पीटर लाली को छोड़कर वीकेंड पर चला जाता है और साइमन अपने काम पर जुट जाता है। ऐसे ही एक शाम जब पीटर शाम को पार्क में बैठा था तभी वहां लाली आ जाती है और गुस्से में साइमन से कहती है कि तुम्हें क्या मिल गया यहाँ आकर, हम दोनों अच्छा खासा वीकेंड पर जाने वाले थे, जो सुनकर साइमन को काफी गुस्सा आता है और वो अपने रूम में जाकर सारी कॉफी गिरा देता है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि लैला पीटर से फोन पर बात कर रही है। उन दोनों में बहुत बहस हो रही थी और तभी साइमन को पीटर का कॉल आता है जो उसे समझाता है कि वो लैला को परेशान ना करे। पीटर की बातें सुनकर साइमन सोचता है कि शायद वो लैला के साथ गलत कर रहा है तो उससे माफी मांगने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पीटर की एक पेशेंट आ जाती है जो कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसका काम करने के बाद साइमन सीधा लाली के पास जाता है और उसे अपने किए के लिए सॉरी बोलता है। यहाँ पर लैला काफी इमोशनल थी। वो इमोशनली साइमन से कहती है, मैंने बहुत कुछ सोचा था, इस बार वीकेंड पर जाकर मैं पीटर को प्रपोज करने वाली थी, मुझे भी फैमिली का सपोर्ट चाहिए। ये कहते ही लाली साइमन की गले लगकर रोने लगती है और इसी अटैचमेंट के बीच लाली साइमन को किस करने लगती है, पर वक्त रहते साइमन पीछे हट जाता है और लाली के बारे में सोचने लगता है कि हो न हो पीटर ने उसके साथ गलत किया है। उसी शाम वो सेबी से मिलता है जो उसको आने वाले कंपटीशन के बारे में बताती है, लेकिन साइमन तो अभी भी लाली के ख्यालों में खोया हुआ था। वो जल्दी से ऑफिस जाकर सीधा लाली के पास जाता है और उसे पिछले दिन में हुए हादसे के लिए माफी मांगता है और कहता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और उसके बारे में पीटर को मत बताना। लेकिन यहाँ पर लाली कहती है कि ये उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो ऑलरेडी पीटर को बोल चुकी है कि वो किसी और के साथ बहुत इंजॉय कर रही है। जो सब सुन के साइमन को लाली पर बहुत गुस्सा आता है और जैसे ही लाली वहाँ से जाती है तो साइमन उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालता है जिसमें उसे पता चलता है कि लाली पीटर की पुरानी पेशेंट जिसने कई बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। लेकिन तभी वहाँ पर लाली आ जाती है
और उसे पता चल गया था कि साइमन उसकी फाइल पढ़ रहा है। वो गुस्से से साइमन से अपनी फाइल वापस मांगती है और उसे पुलिस कंप्लीट करने की धमकी देती है, जिस पे साइमन दोबारा से उससे फाइल छीन लेता है और इसी बीच लाली साइमन को किस करने लगती है, लेकिन अगली बार दोनों ही अपना कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिस के कुछ लोग आ जाते हैं तो लाली साइमन को अपने घर चलने को कहती है। तो फिर क्या, छुपते छुपाते साइमन लाली के घर पहुँच जाता है और लाली का ऐसा रूप देखकर खुद का होश खो बैठता है और दोनों काफी देर तक इंजॉय करते हैं, जिसके बाद लाली साइमन से कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तो लाली उसे वहीं पर छोड़ने जाती है और कहती है कि मैंने इससे पहले इतना इंजॉय कभी नहीं किया था, जिसपे साइमन उसे किस कर अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है। साइमन आज बहुत खुश था, तभी उसे बीच रास्ते में सैबी किसी और के साथ दिखती है। उसे लग रहा था कि जैसे सैबी उसे धोखा दे रही है और इसी डाउट को दूर करने के लिए वो सैबी के साथ एक इवेंट में जाता है जहां वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और इसी बीच सैबी साइमन के क्लोज जाने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन उसे किस नहीं कर पाता, जिसके बाद वो सैबी को सब बता देता है कि पिछली रात उसकी और लाली के बीच क्या हुआ था, जो सुनकर सैबी पूरी तरह टूट जाती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। काफी देर तक साइमन वहीं बैठा रहता है और इसी बीच उसे लाली का मैसेज आता है जो कहती है कि वो घर पर अकेली है, अगर वो फ्री है तो वो आ जाए, जो पढ़कर साइमन लाली के घर चला जाता है जहाँ पर वो अपने और सैबी के ब्रेकअप के बारे में बताता है। और बातों ही बातों में लाली फिर से मौके पे चौका मारती है और अपनी थकावट दूर करती है और फिर डिनर करकर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब साइमन की आँख खुलती है तो वो देखता है कि लाली मार्केट गई हुई है। वो ऐसे ही घर एक्सप्लोर करता है तो उसे पीटर और लाली की फोटो मिलती है, जो देखकर वो सोचता है कि शायद ये घर पीटर ने ही लाली को दिया होगा। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पीटर आ जाता है, जो साइमन को देखकर बहुत अजीब बिहेव करता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे साइमन जवाब देने के बजाय उल्टा पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि ये घर मेरा ही है और मैं यहाँ पर बस एक बुक लेने आया हूँ, और तुम्हें एक और बात बता दूँ, मैं और लाली अच्छे रिलेशनशिप में है और उसे मुझसे बस एक बच्चा चाहिए जो मैं दे नहीं सकता, तो हम बस अच्छे दोस्त हैं। इसी बीच वहाँ पर लाली आ जाती है, जो आते ही सीधा साइमन को किस करती है और उसे गुड मॉर्निंग विश करती है, जो देखकर पीटर को बुरा तो लगता है लेकिन वो कहता है, देखो मुझे तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम चाहो तो इसे कंटिन्यू कर सकते हो, बस साइमन तुम अपनी माँ को समझा लेना। जो सुनकर साइमन अपनी माँ के पास जाता है, जो ये समझने को राजी नहीं थी कि उसका बेटा उसकी ही सौतन का दीवाना हो गया। वो दोनों काफी देर तक रोते हैं और फिर साइमन की माँ साइमन से कहती है कि उसे सैबी से बेहतर लड़की कहीं नहीं मिलेगी, लाली उसे कभी भी छोड़कर जा सकती है। जो सुनकर साइमन सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए और फिर अपना साइकिल लेकर सैबी के पास जाता है, लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका था क्योंकि सैबी तो साइमन की शक्ल तक नहीं दिखना चाहती थी, मतलब कि कुल मिला के अब साइमन बर्बाद होने वाला है। साइमन जैसे ही घर आता है उसे पता चलता है कि उसके डैड भी घर छोड़कर चले गए हैं, जिससे साइमन बहुत डिप्रेशन में चला गया था और इससे उसे पैनिक अटैक आ जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ पीटर पहले से ही था, जो साइमन को समझाता है कि लड़कियों के आने जाने से जिंदगी रुक नहीं जाता, उसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर सैबी उसके साथ नहीं रहना चाहती तो उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। ये बोलकर पीटर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी हमें कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर लाली के हाथ में एक बच्चा था जिसे वो साइमन के हाथ में थमा देती है और साइमन उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर वो इस फैमिली ड्रामा में नहीं पड़ा होता, तो आज वो सैबी के साथ बहुत खुश होता। मगर इस फैमिली ड्रामा के चक्कर में ना वो घर का रहा ना घाट का, ना सैबी मिली ना लाली। इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। गाइज, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कैप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, प्लीज जाके फॉलो कर ले। थैंक यू गाइज।